और ये देखिए इसका पूरा सेटअप जल्दी जल्दी फुट ओवर ब्रिज का बनाया जा रहा है, किया जा रहा है और काफ़ी तगड़ा काम हमें तो लगा। आप लोग को कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके एक बार ज़रूर बनाए बताइएगा। और ये देखिए पूरा सेटअप किया गया है और इसको बहुत जल्दी जो है कंक्रीट भी कर दिया जाएगा। तो ये यही अपडेट अभी चल रहा है इसी स्टेशन पे। और आगे के साइड में फुट ओवर ब्रिज का जो एक नंबर से लेकर 5 नंबर और 4 नंबर के बीचों बीच में जो उतारा जा रहा है बनाकर, वो यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। तो पूरी जानकारी आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है। कितना समय लगेगा इसको अभी तैयार होने में? तो यहाँ पर ये पूरा सेटअप इसका किया जा रहा है, आगे चलकर दिखाते हैं आपको। दोस्तों आज जो है आप लोगों को मऊ के 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म का पूरा अपडेट हम आपको देने वाले हैं। और मऊ को भी एक नई ट्रेन मिली हुई थी और इसी 4 नंबर ट्रैक पर खड़ा किया गया था, मगर वो अभी फ़िलहाल जब हम आए हुए हैं तो यहाँ पर हमको कोच देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हो सकता है यार्ड में वो कोच चली गई हो, तो फिर हम चलेंगे थोड़ा आगे, देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो यार्ड में भी जाएंगे और आप लोग को अपडेट हम दिखाएंगे। और काफ़ी तगड़ा अपडेट आ चुका है अपने 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे, जो इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं। तो हम बता दें कि इस वीडियो में आपको जो अपडेट देखने के लिए मिलेगा वो फुट ओवर ब्रिज का देखने के लिए मिलेगा, जिस तरह से आगे के साइड में 1 नंबर प्लेटफॉर्म से लेकर 4 और 5 के बीच में वो फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, उसी का निर्माण कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। और ये 5 नंबर जो ट्रैक है इन पर कंक्रीट मतलब छोटी वाली डाली जा चुकी हैं। और ये देखिए ये मऊ आनंद विहार, यहाँ पर एक ट्रेन खड़ी हुई है और आगे चलते हैं देखते हैं। तो फुट ओवर ब्रिज का ही ज़्यादा काम किया जा रहा है। ये देखिए इस साइड से अगर दिखाएंगे तो इस साइड पर अभी जो 5 नंबर जो ये प्लेटफॉर्म है इसका ट्रैक अभी नहीं डाला गया है, मगर छोटी वाली जो बैलास्ट है उसको बिछाया गया है, जल्दी डाल दिया जाएगा। मगर 4 नंबर के जो ट्रैके हैं उनको जल्दी से फाइनल कर दिया गया है और नई वाली जो कोच आई हुई थी वो हमको लगता है यार्ड में होगी। वो हमको लगता है वो देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाते, देखिए यहाँ पर एक नई कोच आई हुई है, तो ये हमें लगता है आगे के साइड तक वो पूरा खड़ी की गई है। जो ये डबलिंग पे इसी ट्रेन से उद्घाटन किया जाएगा, जो दिसंबर में कन्फर्म है कि दिसंबर में इसका उद्घाटन होगा डबलिंग ट्रैक का, और हो सकता है यही ट्रेन चले। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर एकदम नई है कोच जो आगे के साइड में ये यार्ड में खड़ी हुई है। तो हम लोग को अभी टाइम मिलेगा तो हो सकता है कि जाएंगे अंदर में और पता करेंगे कि मतलब किस लिए कोच खड़ी हुई है, किस लिए आई हुई है। और आगे के साइड में चलकर देखते हैं, देखिए ये अपना प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है। और आगे के साइड में चलकर देखेंगे जो सीधा फुट ओवर ब्रिज का 1 नंबर से 5 नंबर तक का काम किया जा रहा है, आगे के साइड में सेटअप किया जा रहा है, तो चलकर देख लेते हैं। और ये अपना 4 और 5 के बीच में एक शौचालय वाला बनाया जा रहा है, ये देख सकते हैं शौचालय का ये बनाया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा मतलब काम चला है और काफ़ी तेज़ी से जो भी काम चला है ना फुट ओवर ब्रिज का ही काम किया गया है। ट्रेन अभी यहीं पे जो नई वाली कोच थी ना अभी यहीं पे थी, हमारे 10 मिनट आने से पहले वो ट्रेन निकल कर वहाँ पर गई हुई है। तो कोच तो नया तो है ही है, चलकर देख लेंगे। और ये देखिए इसका पूरा सेटअप जल्दी जल्दी फुट ओवर ब्रिज का बनाया जा रहा है, किया जा रहा है और काफ़ी तगड़ा काम हमें तो लगा। आप लोग को कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके एक बार ज़रूर बनाए बताइएगा। और ये देखिए पूरा सेटअप किया गया है और इसको बहुत जल्दी जो है कंक्रीट भी कर दिया जाएगा। तो ये यही अपडेट अभी चल रहा है इसी स्टेशन पे।
और आगे के साइड में फुट ओवर ब्रिज का जो एक नंबर से लेकर 5 नंबर और 4 नंबर के बीचों बीच में जो उतारा जा रहा है बनाकर, वो यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। तो पूरी जानकारी आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है। कितना समय लगेगा इसको अभी तैयार होने में? तो यहाँ पर ये पूरा सेटअप इसका किया जा रहा है, आगे चलकर दिखाते हैं आपको। और जो भी काम चल रहा है, सिर्फ ये अभी बात करेंगे तो ये फुट ओवर ब्रिज का ही अभी प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। और इसका ये देखिए किस तरह से फुट ओवर ब्रिज को बनाने के लिए काफ़ी तगड़ी तैयारियां चल रही हैं आगे के साइड में। और सबसे पहले अपने 4 और 5 के बीच में जो ये प्लेटफॉर्म है, इसी को बनाने के लिए ये तैयारियां चल रही है। पहले इसको तैयार कर लिया जाएगा और आगे के साइड में जो 3 नंबर पे फुट ओवर ब्रिज आकर रुका हुआ था, उसको पहले इसको कनेक्ट किया जाएगा और फिर तैयारियां की जा रही है। तो यही अपडेट है। तो दोस्तों, आप लोग को ये प्यारी सी वीडियो कैसी लगी, प्यारा सा कमेंट करके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। और इन पर भी देखिए इसी तरह से आगे के साइड में जो वहाँ पर सारे बना कर रखे हैं इसी तरह के पावे लोहे के, वह इन पर ये जितना भी यहाँ पर पिलर इनके बनाए गए फाउंडेशन, इनमें पूरे इस तरह से ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो फिलहाल देखिए, दिसंबर से पहले ये पूरा प्लेटफॉर्म को जो है तैयार करना है, मगर 2 महीने का बोल रहे कि 2 महीने का समय लगेगा, मगर फिलहाल 2 महीने से पहले हो सकता है हो जाए, क्योंकि फुट ओवर ब्रिज बनाने में थोड़ा समय लगेगा। मगर अभी देखा जाए तो इनको जो है काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। और आगे का सेटअप ये देखिए, ये आगे का सेटअप बना कर रखा गया है जो यहाँ पर ये लगाए जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग को ये प्यारी सी वीडियो कैसी लगी, आगे चल कर देख लेते हैं। और ये मिट्टी का भी काम किया गया है और वहाँ पर भी चलकर हम देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले इस वीडियो को कवर करते हैं पूरा अच्छे तरीके से और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा फुट ओवर ब्रिज का मटेरियल यहाँ पर तैयार होता है। और ये देखिए, ये देखिए, ये टीन सेट लगाने के लिए ये पूरा सेटअप बनाया गया है। आगे के साइड तक ये लॉन्ग टीन सेट बनेगा, मतलब जिस तरह से आप देख सकते हैं एक नंबर प्लेटफॉर्म पे सीधा बड़ा बना हुआ है, उसी तरह से ये लॉन्ग टीन सेट बनेगा पूरा प्लेटफॉर्म पे, मतलब फर्क नहीं रहेगा, पूरा कनेक्ट कर दिया जाएगा, एकदम पूरा कनेक्ट कर दिया जाएगा। और इसका यहाँ पर फाउंडेशन तैयार कर लिया गया है, ये देख सकते हैं टीन सेट लगाने के लिए। और काफ़ी हैवी स्टेशन को बनाया जाएगा, काफ़ी तगड़ा बनाया जाएगा। तो इस वीडियो में थोड़ी सी आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि हमें भी जानकारी मिले। और नई कोच आगे के साइड में जाके खड़ी हुई है, चलेंगे देखेंगे। ये देखिए, ये सारे टीन सेट के सेटअप बनाकर तैयार किया गया है। और जल्दी 2 महीने से पहले ये टीन सेट भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि दिसंबर तक ये पूरा काम फाइनल करके देना है किसी भी तरह से, और जल्दी से जो है कि इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन भी करना है। और जो डबलिंग ट्रैक है, जो उसका उद्घाटन होगा, उसके लिए एक ट्रेन भी ऑलरेडी आ चुकी है जो सीधा जो है यार्ड में खड़ी हुई है। तो 100% ये मान के चलिए कि इसी के लिए वो ट्रेनें आई हुई हैं कोच उसका, और चलकर हम देखेंगे। और टीन सेट की बात करेंगे तो आगे के साइड में